बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन सम करते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बताया था ना लास्ट में, कौन बता रहा था स्क्वायर रूट क्या बता रहा था, स्क्वायर रूट बता रहा था भाई। ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने, देखो मैंने बताया था कि मान लीजिए जिसका स्क्वायर रूट निकाल दें उसका स्क्वायर कर दें ना सर, ये क्योंकि डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया इसका, मान लिया ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए, ये क्या जाएगा फिर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो भाई क्या है ये, अगर मान लिया बाई चांस ये ए प्लस आयोटा बी का हमने जो है ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट अगर बी पॉजिटिव है तो ये लगा लेंगे, बी नेगेटिव है तो ये लगा लेंगे, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत, वैसे हमारा काम बढ़िया चल रहा था, पता नहीं था जड़ की बात कि मैंने कहा भाई दोनों का स्क्वायर कर लूँ, जो नंबर आ रहा वो उसका हुआ लेगा, देखो एक होता है थ्री प्लस फोर आई, थ्री प्लस फोर आई, फोर प्लस थ्री आई, इस तरह अगर इस तरह आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, जैसे मैंने सवाल किया था भाई, वो देखे सवाल किया था वो लास्ट टेन को लिखा स्क्वायर रूट निकाल लेता मैंने कल कल, हाँ क्या क्वेश्चन था, देखो ये है सेवन माइनस ट्वेंटी फोर आई, इसका स्क्वायर रूट था ना, एक जगह कितना है बी की जगह कितना है, वो तो बी क्या था नेगेटिव, तो कौन सा फॉर्म लगा, ये वाला लगा, ये वाला फिर लगा के दिखाइए डायरेक्टली फॉर्म बी टू, ये आंसर आ जाएगा, लगा के दिखाओ इसमें, देखो जो मैंने कल निकाला था वही आ रहा नहीं, किसका काम है ना, बी ए इक्वल टू कितना है सेवन और बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर, क्या कहते नहीं इस फॉर्म जैसे करके दिखाना है भाई, इससे ना इससे डायरेक्ट ही है, घर बैठे कर लोगे या यहीं करो है जाएगा, आगे बढ़े कर लेना भाई, ठीक है वही आएगा बिल्कुल आंसर, जब हम ले हो जाएगा ना, इतना बड़ा मैटर नहीं हो जाएगा,
नहीं होता देख लेंगे, बी दिखा देना नहीं होता थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो करने कराने में फिर टाइम खराब हो जाए। अब होता है नेट ओपी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा भी होगा तुमने, क्यूब रूट ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ ये यूनिटी देखा तुमने क्या हो यूनिट, सुना यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट, वो इससे और घट नहीं सकता, इसे और ज़्यादा घटाया नहीं जा सकता, लगभग लगभग पहुँचे तो वो सही कहा, समझे समझ गए तुम्हें बात क्या, इनका यूँ कहने चाहिए यूनिट एक को ही कहें बस, यूँ को यूँ गाने छोटा छोटा यूनिट की तो कहें, सुना कहीं भी नाम कहीं मतलब लैंग्वेज में कहाँ सुना, हाँ रुपये एक रुपये एक यूनिट है, जैसे भाई अब तक खून जो है ब्लड कितने यूनिट लिया हुआ इसने, दो यूनिट डोनेट का, तीन यूनिट, चार यूनिट, एक एक यूनिट है ना, समझिए यूनिट तो एक का क्यूब रूट क्या है भाई, नहीं भी निकल जाएगा, ये क्यूब रूट क्या होता है सर, हाँ अंडर रूट यानी अंडर रूट का स्क्वायर, क्यूब हो गया स्क्वायर रूट, हाँ एक की अगर यहाँ स्क्वायर रूट होता तो पावर होती 1/2, और क्यूब रूट है तो किसकी, यानी एक की है, इसने ये कहा इन्होंने कि मुझे ये बताया कि यूनिट क्या भाई, ये तो ठीक है मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है एक्स है, कोई दिक्कत नहीं इसके निकाले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान लिया एक्स है, यहाँ से वास्तव में आ गई दोनों तरफ का क्या कर दूंगा क्यूब दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या जाएगा एक्स का क्या जाएगा एक्स घात तीन और एक की घात इसका क्या जाएगा एक, आगे सुनो परेशानी तो नहीं कुछ भाई, इसको क्या कर दूंगा मैं ट्रांसपोर्ट कर दिया पक्षांतर करके धर लिया, क्या आगे बोलते रहो एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से बात नहीं आ गई, ये हो गया ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन या ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री, क्या होता है ये वन की पावर थ्री नहीं आएगा ये, तो क्या आता है फॉर्मूला ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री, भूल गए चलो मैं याद नहीं करा दूँ, ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी यही हो कुछ हो या और होगा, ज़्यादा करेंगे तो चाहिए लिख तो अगर ज़्यादा लिखना हो तो भाई यही हो यार यही था कुछ और था यही था, मतलब कोई गलत मतलब गलत चीज़ लिखी ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला था ही है तो इतना पता है ही है, ये भी आने चाहिए वो यही वो ये होता है, ठीक अब तो हो गया ठीक है, अब तुम ठीक हुआ कुछ क्या तू भाई, यही भाई जब याद नहीं आता तो फिर यही ठीक है सर, ये वाला ये तो ठीक है बाद में अलग अलग हैं, तो भाई जब यही याद है तो यही ठीक है, देखो तो एक्स की पावर थ्री माइनस वन की पावर थ्री क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखिए यही आ जाएगा, तो आ जाएगा ये देखिए यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x मल्टीप्लाई वन, एक्स मल्टीप्लाई वन लिखो या x ही लिख दो, और वन का स्क्वायर लिखो या वन ही लिख दो बोलो, यहाँ से बात समझ में आ गई, देखो भाई अब क्या है एक नंबर तो ये है एक नंबर, दो दो नंबरों के बीच की क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो, ध्यान कब होता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ जीरो, दो नंबरों की गुना कब जीरो होती है अगर उनमें से कम एक जब ही तो होगी नहीं और कोई तरीका तो नहीं है, तो या तो ये जीरो या ये इफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो देन देन का मतलब तब एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन आ जाएगा, इधर आगे ले भाई इसकी लिख लो एक्स इक्वल टू अगर ये जीरो हो कौन सा जीरो If, क्या आएगा भाई ये यू टू दो चीज़ें लिख लिया होगा ये लिख लिया फॉर्म में ये लिख लो पहले ये भाई ये फॉर्म लिख लो सवाल बाद में करूँगा मैं ये पहले ये लिख लो ये जरूरी है ये तो बाद में फिर लिख लिया तो फिर भी लिख लो भाई
लिखो माइनस ए भी हो जाएगा जी, वहाँ पे माइनस ए भी हो जाएगा जी जी हाँ माइनस ए भी देखो, यहाँ माइनस वाले में देखो पहले से देखो, देखो यही तो खास बात है। मैं यहाँ तुम्हारी सहूलियत के लिए सारी लिख दूँ ठीक है, काट लिए या याद है खरे खरे याद है अब याद ही हो गए इसलिए चलो नहीं आया तो म्यूट हो रहा देखो भाई चलो लिख लो यार एक बार लिखने से अच्छा ही है नहीं जाते फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं भाई। देखो भाई अब क्या आ रहा इसको याद कर लेना भाई आगे दूर पड़ गया आज भी इनकी क्लियर मैंने भी बताई। देखो अब क्या है या तो ये जीरो होगा या ये जीरो, ये अगर ये जीरो होगा इसके तो मैंने निकाल ली वैल्यू, अब ये भी जीरो होगा ये भी तो हो सकेगा इफ इसका मतलब अगर ये जी इफ इफ तो समझ आता हुआ छोड़ा था एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसके एकदम घात आधी एक्स की है तो वन के अंदर फैक्टर वन हो ही नहीं सकते तो नहीं होते तो क्या इसके लिए फॉर्मूला धनाचार्य है धनाचार्य फॉर्मूला क्या होता है बोलो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी लिखो फॉर्मूला डायरेक्ट कर दूँ माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है वन बोलो बोलते रहा बोलो प्लस में चलो जो तुम लोग वो लिखते चलाऊँगा मैं वन का स्क्वायर माइनस फोर वन इंटू तुम लोग आगे सवाल है अपॉन टू ए है नी उनकी बात माननी पड़ेगी थोड़ी बहुत है नहीं सारी बात आपकी थोड़ी है। देखो भाई माइनस वन तो जुगू दूँ भाई प्लस माइनस है देखो वन का स्क्वायर कितना आता है और माइनस फोर कितना आ जाएगा वन माइनस फोर माइनस थ्री भाई क्या आएगा माइनस थ्री अपॉन टू इसको थ्री आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा और आयोटा बाहर जाएगा थ्री रूट थ्री आई लिख दूँ आयोटा रूट थ्री बोलो समझ नहीं आई बात तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू ये दो हाँ ये तो यू नहीं लिखा देखो ये देखो 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 माइनस रूट थ्री है इसे लिख सकता हूँ थ्री माइनस वन और थ्री आई ओटा स्क्वायर आई ओटा का स्क्वायर तो बाहर आ गया आयोटा ये रूट थ्री अंदर जेल में रह चुके तुम बोलो। देखो अब ये दो रूट हैं इसके एक प्लस का है एक तो कौन कौन से हो गए माइनस प्लस आई ओटा रूट थ्री अपॉन टू एक और कौन सा हो गया वन माइनस आई ओटा रूट थ्री अपॉन टू ये देखो जिसकी जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतनी रूट होते हैं क्या कहा मैंने भाई इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी एक्स की तो कितने रूट होंगे इसके मैक्सिमम तीन ही रूट निकाल लिए मैंने एक तो ये निकल गया था पहली बार में ही
और दो ये निकल गए, तो इसके जो वन के क्यूब रूट होंगे यूनिटी क्या क्या होंगे, वन ये इनका एक और नाम दे दूँगा, इसका नाम क्या दे दूँगा मैं, इसका नाम तो वन तो वन ही रहेगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम है ओमेगा, मरा हुआ डब्ल्यू सा, तो बहुत हल्का सा डब्ल्यू है जो बच्चे बनाए, ये क्या है ओमेगा, इसका नाम क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैंने कम्प्लेक्स नंबर में कहीं ओमेगा कहा तो एकदम ओमेगा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, अगर ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया माइनस वन माइनस आई रूट थ्री ओमेगा स्क्वायर। अब मेरा बात क्या हुई, यहाँ से निकला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से, वन ओमेगा और हाँ बात नहीं आ गई, तो वन तो वन समझ में आ गया, ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन, यहाँ तो बात समझ में आई भाई, उतारना चाहो उतारो नहीं तो आगे बैठे, यानी ये आ गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गई, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बस अब इससे बात बढ़ेगी कि ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, होता क्या है इसका थोड़ा सा भी इसकी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी इस पर भाई आज इन देखा बॉर्डर को कारण भी लेंगे ये टेंथ होती है बच्चों की बात है कुछ समझ भी रहे थे लिख भी रहे थे को इसके वाले को प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, प्रॉपर्टीज ये कहते हैं गुण गुण धन कहते हैं जिसे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट। ईच कंप्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट, ईच कंप्लेक्स नंबर Each complex number, ये कहते हैं ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी कर लो, ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, इज द स्क्वायर, ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, क्या लिखा भाई, इज द स्क्वायर ईच मैंने हाँ हर एक रूट उसका क्या है दूसरे क्या है उसका स्क्वायर दूसरा है, यानी एक दूसरे का क्या है स्क्वायर है एक दूसरे का, देखो किस तरह है एक स्क्वायर था मेरे पास एक था क्या था वन प्लस आई ओटा रूट थ्री बाई टू यही था ना रूट क्या था यही था देखिए यही था हाँ ये जान ही था मैंने देखो माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू इसका क्या कर दूँ मैं स्क्वायर कर दूँ दूसरा आना चाहिए ये तो मतलब लिखा है मैंने कि हर एक जो स्क्वायर रूट यूनिटी क्यूब रूट है उसका स्क्वायर दूसरा होगा वो जैसे इसका स्क्वायर करना भाई क्या आ जाएगा होल इसका स्क्वायर खोल लेते लिख लेते थोड़ा सा एक आती लाइन
हाँ यूनिटी क्यूब रूट, यूनिटी क्यूब रूट। अरे देखो मैंने कहा किसका, यूनिटी के क्यूब रूट, ये यूनिटी का क्यूब रूट ही तो है, यूनिटी के क्यूब रूट का स्क्वायर हिंदी में है, यानी एक नंबर के जो क्यूबिक का यूनिट का क्यूब रूट है उसका स्क्वायर कर दूँ तो वो वही नंबर होगा उसका दूसरा नंबर, एक एक रूट ये नहीं है इसका, इसका स्क्वायर करो देखो क्या आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है ये, देखो भाई क्या आ जाएगा, इधर खोल ही दिखाऊं मैं तुझे, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस आयोटा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू आयोटा रूट थ्री अपॉन फोर। बोलो भाई दिक्कत तो नहीं करी मैंने, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा वन माइनस क्या जाएगा यहाँ माइनस थ्री आई, थ्री आई माइनस थ्री आ जाएगा आई नहीं, बोलो बोल करो वन माइनस थ्री माइनस टू आयोटा रूट थ्री अपॉन फोर, वन माइनस थ्री कितना जाएगा माइनस टू, माइनस टू आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, टू दोनों में से कॉमन ले लूँ ऊपर से तो क्या आ जाएगा ये माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, यही नहीं आ गया देखो दूसरे नंबर, एक ये नहीं था उसमें से करा इसका स्क्वायर तो आ गया कितना दूसरा आ गया, ये तो बता रहा मैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा हाँ वो भी बिल्कुल वो भी लिखाऊंगा बिल्कुल सही कहा वो भी करूँगा मैं तुम्हें। देखो क्या कहा मैंने कि अभी मैंने ये बताया कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं एक क्यूब रूट का यूनिट के इसका क्या कर दूँगा स्क्वायर करूँगा दूसरा नंबर आ जाएगा, यही नहीं लिखाया भाई हिंदी में, यही तो कहेंगे लिख लिया भाई निकाल लिया। दूसरा एक दूसरी प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, अगर ओमेगा की पावर थ्री कर दूँ उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा वन होगी, एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओमेगा की पावर थ्री इक्वल टू वन, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा इसे क्या इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा के नाम से है, यानी ओमेगा की अगर थ्री मैं क्या कर दूँ पावर कर दूँ उसकी वैल्यू क्या आती है वन, ओमेगा की पावर थ्री कितनी है वन है। लिख लिया भाई ठीक है लिखो लिखो और भी पीछे रह गए। देखो भाई एक मेरे पास ओमेगा था एक ओमेगा स्क्वायर ये तो थे स्क्वायर, मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये रखा देखो डायरेक्ट इसका स्क्वायर, ये तो बेचारा सीधा एकदम इसका स्क्वायर करके आ रहा ये बता रहे थे मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं अब ये तो क्या आएगा ओमेगा की पावर यही आएगा, अब ओमेगा की पावर फोर हूँ किसको कर सकूँ मैं ओमेगा की पावर थ्री इंटू ओमेगा यू कर सकूँ भाई एक्स पावर थ्री इंटू एक्स एक्स पावर फोर नहीं आएगा और ओमेगा की पावर थ्री कितनी है वैल्यू भी बताई थी मैंने तो वन इंटू ओमेगा इक्वल टू देखो यानी कि इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जो मैंने कराया था चाहे इस तरह कर लो मतलब जो मैंने बात बताई सही बताई थी इसमें लगनी बताई थी ठीक बताई थी ना क्या है बोल लो क्या इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा इंटीग्रल पावर ऑफ अब जितना तीसरा नहीं तीसरी लाल लिखो ये करके देख लो भाई ये भी करके देख लो है छोटी चीज ये दमाने दमा कर लिख लो है द सम ऑफ क्यूब रूट्स द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो
ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ थ्री क्यू रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ थ्री, द सम ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो, द सम ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। जैसे क्या है भाई, क्या कहना चाह रहा है, द सम ऑफ, द सम ऑफ क्यूब रूट थ्री, इसके अंदर तीन ही तो रूट हो भाई, कौन कौन से हों, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका क्या सम का मतलब एड, इनका सम कितना आना चाहिए, जीरो। यही बता, यही लिखी मैंने पढ़ी, यानी क्या आ गया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक ही हो गई, लिखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पढ़े थे, पढ़ाए नहीं होंगे आपको, अब ढेर सारे बड़ा पता हो गया है, अब तुम बड़े सारे भी तो हो गए। लिखो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री है सब कुछ मुश्किल है, आसमान है, अगर पढ़ाते और ज़्यादा इसी रहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री जो इलेवेंथ की क्लास है उसमें ज़्यादा जमीन आसमान में फ़र्क पता है, जमीन आसमान में फ़र्क नहीं है, देखते हैं हम दो दिन हो गए आगे, चलो भाई भागो हैं, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द लिख लो जो सम करा था, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो होगा भाई, तो ओमेगा वन की पावर कर मल्टीपल में कुछ नहीं आता, सेम नंबर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आता, और ओमेगा की पावर थ्री वैल्यू कितनी होती है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट इज ऑलवेज इज वन, इस तरह लिख देंगे अभी, लिखो देखो सही में भी आ रहा नहीं तुम्हारे, एक और नई प्रॉपर्टी लिखेंगे, ईच, लिखो ईच, बेटा तो लिख लो, एक और प्रॉपर्टी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारे ग्रोथ ना पीछे आ जाऊँ थोड़े से काम में, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इनवर्स, इनवर्स किसे कहें, इनवर्स का भी नहीं मतलब पता क्या है, इनवर्स का होता है उल्टा, फिर ऊपर टांगा नीचे, देखिए गिरी ऊपर टांगा नीचे, तो बच्चों झुलाना है इस तरह, इनवर्स दो होते हैं, इनवर्स एक तो मल्टीपल इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स, सुना सेट थ्री में भी आया हुआ है, मल्टीपल इनवर्स एडिटिव इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स एडिटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, या एडिटिव रेसिप्रोकल या मल्टीपल रेसिप्रोकल, जैसे कोई बात नहीं भी बता रहा, यहाँ तक की बात नहीं आ गई जो मैंने बताया, मेरी तो बात नहीं आ गई कम से कम, अब देखो क्या लिखा मैंने भाई, ये नियम बताओ, यानी कि हिंदी में कहना चाह, जितने भी ये कम्प्लेक्स रूट के ये दो नंबर वो होंगे क्यूब रूट के, एक दूसरे के उल्टे होंगे, एक दूसरे क्या हो, रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे क्या हो, यही बता रहा वो जिसको आप कहना कि वो ना फोन माजा, बिल्कुल सही करे, इस तरह ही होगा, जैसे मान लिया दो चीज़ें हों, एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, एक क्या हो, एक क्या हो, मल्टीपल इनवर्स, अलग से बता दूँ इसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मेरी बात एक क्या है, मल्टीपल इनवर्स,
एडिट, अगर मैं कहूँ कि भाई फोर फोर का एडिटी इनवर्स क्या होगा, क्या होगा फोर का एडिटी इनवर्स पता? अगर एडिटी में आया तो उसका चिन्ह उल्टा कहता है माइनस फोर, ठीक। और मल्टीपल में क्या होता है? हाँ, तो इसका मान लिया थ्री फोर का क्या हो जाएगा इसमें, बोल लो वन बाई फोर। यहाँ तो बात नहीं आ गई एडिटिव मल्टीपल में, यानी कि मल्टीपल में सिर ऊपर और इसके एडिटिव में बस इस मतलब इधर सीधा सीधा था, इसका साइन चेंज कर दो। अच्छा भाई ये ठीक है या नहीं है, अब मुझे जो है कि वो कहती गलत ना पढ़ा रही हूँ, सही हो ठीक है नहीं है ये तो देखना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत अकल नहीं लगा, ठीक है नहीं है थोड़ी अकल लगाया करो। ये ठीक है का, ये ठीक है। अगर मैं इन्हें दोनों को ऐड कर दूँ या इन्हें दोनों को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, गुणा कर दो, तो इनकी एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, यानी वो नंबर जो जोड़ के किसी भी चीज़ में फ़र्क ना पड़ा, वही तो एडिटिव आइडेंटिटी हो। जैसे जीरो प्लस एक्स, एक्स हमेशा एक्स ही करता है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा भाई? अरे इन्हें दोनों को क्या करके, इन्हें दोनों क्या करूँ, गुणा कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा? वन ही आएगा, क्या आएगा इसका? तो एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है? और मल्टीपल आइडेंटिटी, तो इसमें ठीक है सवाल मेरा। अब मैंने क्या कहा, सवाल फिर आ जाओ, मैं जो मैं बता रहा था यहाँ से एक बात निकली है कि अगर ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, तो क्या आना चाहिए उन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या आनी चाहिए? वन आनी चाहिए। और ये ऊपर फिर ऊपर टंगे नीचे होनी चाहिए एक दूसरे की, ये होना चाहिए नहीं? जैसे मान लिया एक तो मेरे पास है, देखो एक तो मेरे पास क्या है, ओमेगा, और एक ओमेगा स्क्वायर, ये तो थे दोनों दो, वन तो सीधा है, वन के तो है ही है, तो इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई करें क्या आ गया? वन नहीं आ गया, देखिए आगे इन दोनों की क्या, इन दोनों मल्टीप्लाई करें क्या आ गया? इसका मतलब ठीक है। अरे देखो ओमेगा बराबर, देखो वो जो तुम कह रहे थे यूँ नहीं आ जाएंगे एक दूसरे को उल्टा, देखिए तुमने बता था कि वन अपॉन में लिख दो मुझे, तो ये इसका उल्टा नहीं है, अजय उसका उल्टा भी है, ये भी इसका उल्टा, ये भी ये दोनों, ये इन्वर्स नहीं हो रही एक दूसरे, इन्वर्स के लिए फिट नहीं हो रही कंडीशन। भाई जिसको फोर अपॉन थ्री का उल्टा क्या होगा? वन अपॉन फोर थ्री, इसे उल्टा कर दो, थ्री अपॉन फोर नहीं होना, जिसको फोर का वन अपॉन फोर करा, ये दोनों सिनेमा की बात जी, ये स्क्वायर लगाने पर टेन लगा हुआ था, ये तो आपने हाँ, अगर आइडेंटिटी ना होती फिर तो मल्टीप्लाई वन भी होती, वन भी नहीं होती। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे बेटे, ये दोनों एक दूसरे के तो रेसिप्रोकल हैं, सब थोड़ी नंबर हो, एक ये इसका होगा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, रिश्तेदार जिस जहाँ रिश्तेदारी वहीं पर आगे जाएंगे भाई, थोड़े सब पूरा ठेक कर लिया कहा पाऊंगा, है नहीं उसी तो लेने दो, जब हमारी बुआ मौसी जहाँ रहती होगी वहीं भी तो जाए, या फिर पूरे गाँव में जाए, तो ये इसकी मौसी है, ये इसकी मौसी है, ये इसका उल्टा है, देखो ये इसका उल्टा, आगे बात नहीं। तो क्या मतलब समझे, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर के जो ई के क्यूब रूट हैं किसके, वन के, वो दोनों एक दूसरे क्या हों, इनवर्स उल्टे हों, लिख लिया उतार लो भाई, उतारने से रखनी पड़ेगी बात भाई, अब आगे क्या आगे कहाँ तक आगे, हाँ देखो क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, तो कोई दिक्कत तो नहीं सारा, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन के क्यूब रूट क्या क्या होंगे भाई, माइनस वन के जिस तरह वन के क्या हुए, ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस वन के क्या क्या होंगे, गलत ही बोल दिया आपने, थोड़ा बोल दिया माइनस वन कर दो, ओमेगा सब माइनस लगा दो,
क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन आर माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ये क्या दे रहे नहीं बताओ तो सोलो क्या रही है जो ये लिखा रहा मैं भी है नहीं मैं नई लाइन नई प्रॉपर्टी है नहीं नहीं क्या मैं समझ नहीं आपका नहीं समझ चलो तो समझ मैंने क्यूब रूट ऑफ लिखें क्यूब रूट ऑफ माइनस वन क्यूब रूट ऑफ अगर माइनस वन है तो माइनस वन कौन 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 से होंगे और वन के ये तो लिख लो तो लिखी थी तुमने भाई ये तो लिख लो सर आपने अब आया क्या हाँ आएगा मैं ये कहना है क्या एक ये तो अलग अलग है भाई मैंने ये बताया जो एक था नहीं एक के मैंने सबसे शुरू में वो निकाल लेते घनमूल एक के कितने रूट निकले थे एक के कितने रूट निकले थे तीन थे कौन कौन से ये थे और माइनस वन के कितने हैं माइनस ओमेगा मैं ये दोबारा पहले वर्ड में तो लिख लो वो तो होगी बात वो तो खत्म हो गई बाकी नहीं आगे तो बढ़ो वो तो हो गई तो बात आगे बढ़ो क्या है क्या लिखा भाई दस रूट ऑफ क्या लिखा था क्यूब रूट ऑफ माइनस वन आर क्यूब रूट ऑफ माइनस वन आर माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक और कर लो भाई अगर कहीं ये हो वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन लिखो वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की टू की पावर टू एन इसकी वैल्यू दो होंगी या तो थ्री होगी या क्या होगी जीरो थ्री कब होगी वैन एन इज मल्टीपल ऑफ थ्री यानी तीन का गुणांक वैन जीरो कब होगी वैन एन इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री लिख लिया मैं लिखो आगे बढ़े बात थोड़ी सी और यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है सब वन की रूट ही चल रही भी तो लग के तो हैं आगे बढ़े और जी अगर होगा जब होगा अगर अगर एन का मल्टीपल जैसे मान लिया थ्री का मल्टीपल देखो क्या होगा देखो आज देखो यानी वन प्लस थ्री का मल्टीपल क्या आ गया कोई भी नंबर ले लो यहाँ क्या आएगा एन की वैल्यू क्या ले लो सिक्स प्लस क्या आ जाएगी ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ ट्वेल्व इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई ओमेगा की पावर थ्री का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर थ्री की पावर फोर है भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यही तो बता रहा कि ये वेयर एफ एफ एन इज द मल्टीपल ऑफ थ्री If n is the multiple of 3, when v value there is 3. भाई second वाला करियो। अच्छा second बोल लो आप ही बोल लो मैं थोड़ी बोल लूँगा।
बोल लो, व्हेन एन इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ एन मल्टीपल नहीं है थ्री का, बोल लो कोई, बोल लो एन की वैल्यू क्या लिखूं, बोल लो वन टू, टू ही लिखूं या आप बोल लो, इनकी तो अपना नंबर बोल दो, कभी सोचो ये तो मिली भगत है, वो खेल लिया ना गो जिस तो खेल खेल लिया, ये तो क्या तो मिल गए होंगे दोनों, हैं एन की वैल्यू कितनी रखूँ, टू प्लस क्या जाएगा ओमेगा की पावर फोर, क्या जाएगा भाई, ये तो भी जू का तू, ये भी जू का तू, ओमेगा इसे क्या देता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो, वन इंटू ओमेगा कितनी हो, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी पड़ी थी अभी, तीनों का सम पड़ ही नहीं आएगी प्रॉपर्टी दिए क्यों, देखो कुछ और दो लिखा दी थी मैंने, जी इस रोंग है इतने बड़े सारे हो गए अब तो, भाई जवाब के सपने देखने लग गए हैं भाई, नहीं क्या कह रहे हैं, अब मतलब जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई ठीक लिखवाई गलत तो लिखवाई इसका मतलब, अब लिख लो भाई लिखना चाहो लिख तो लो से, अब आगे बढ़ू भाई, ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझा कोई नहीं चाहिए, नहीं मैं क्या तो धोखे की लिखवा दी मैं, देखो भाई अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला फिर वही है बात जो मैंने लिखवाई थी, तुम सोचोगे सर बहुत इतने सारे फॉर्मूले लिखवा रहे वैसे हैं, मैंने अपने लिए लिखवाए थे मतलब याद पड़ेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या थी भाई, है क्या थी, क्या थी बोलो बोलो, क्या थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या थी बोलो, बोलो तो तो ए क्यूब क्यूब करे तुम जब से ए ए प्लस बी आगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, कॉपी में देख के बता देते कहीं वो बच्चे थोड़े हो तुम यार, आठ पाँच के बच्चे तो अकेले नहीं होती बच्चा सीधा देखो जा बोर्ड में है नहीं, वो बेचारे छीत भी जाती है सीधा बता उसमें अकेले नहीं होती हैं, ये करो उसमें वो बेचारा नहीं कॉपी में लिखा वहाँ देख के बता सके वो हैं, अब तुम बड़े सारे हो कॉपी में देख के बता देते पहले बता रहे, हाँ सोच चल रही है यहाँ तक बात नहीं आ गई गलत तो नहीं, देखो भाई ए बोलो, देखो ए प्लस बी तो ये जुगा दूंगा अब से आगे लिखूंगा भाई, मैं इसे लिखूंगा ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, अब से एक काम लो और बढ़ा ले भाई, ये है वो काम का काम जो मैं बढ़ाया चला, अब तुम होंगे आज तो एक मुसीबत आ गई पहले ही बहुत थे हैं, थोड़ा सोचते कुछ नहीं याद करनी, देखो 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 याद करने का तरीका क्या है, देखो क्या निशान है भाई, ये तो रटना ही पड़ेगा, तो पढ़ी रखा है मैंने तो नहीं बनाया भाई, मैं तो ये पढ़ाई नहीं चीज बता दी, तो पहले ही पढ़ा बता तुम्हारा, ये क्या चीज़ है भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू आइडेंटिटी सर्वसम्मति का बोलते हैं इसको, ए प्लस बी तो जुड़ गई जो यहाँ है, इसमें एक बार ओमेगा लिखना और एक ओमेगा स्क्वायर और सारे जुड़ गए, ए प्लस बी ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा, मतलब कुछ भी जोड़ना यार अपनी तरफ से याद नहीं हो गया, ये तो जुगत तो है ही थे क्या, कहाँ मन टू मतलब ये तो है ही जुगत, इसे तो जुगत में करा इतने दिमाग में लगा जुगत में करा, अब तो याद हो गया गुणधर्म हिंदी में, ये तो फॉर्मूला है इसका, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में इसका लिख सकते हैं, कंप्लेक्स नंबर में इसका लिख सकते हैं इस फॉर्म में,
इस फॉर्मूले को एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके, एक सवाल करूँगा देखो बीस के ऊपर लिखते चले जाओ, अभी तो तुम महाभारत की जो चल रही बस थोड़ा समझते चले जाओ। उनका कहना ये तो हमने देखी नहीं दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे कर दिया है। अच्छा देखो भाई इन्हें तो पढ़ लिया कि भाई तुम तो कौन सी इलेवंथ में हो ना, तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा क्लास में जो पढ़ाते होंगे थोड़ा सा, जब आ गया कम्प्लेक्स नंबर आ गया नहीं क्लास में शुरू हो गया, जब क्लास में शुरू होगा तुम सबसे होशियार होंगे देखना, तुम वहाँ भी दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ जो है मुश्किल ही पेंटा छूटना मुश्किल हो रहा है। देखो भाई अच्छा जितना मैं सन्मा जितना सन्मा आ ही रहा होगा एक, देखो भाई अब इसके फॉर्मूला एक और है इसका खुद लिख के दिखाओ मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तीनों फॉर्मूले क्या होंगे भाई बोलिए लिख के दिखाना। एक तो ये अपने सिंपल वाला फॉर्मूला आगे नहीं ये ये हाँ ये पहले ही लिख के दो, मतलब ये भी याद नहीं है क्या यहाँ पर आ जाएगा। हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस देख ले फिर यहाँ क्या आएगा, अरे यहाँ अरे यहाँ जल्दी लिख लो यार जल्दी लिख लो तुम्हारे एक ध्यान दे रहा था। ये गुणखंड बोलते हैं क्या, दस में कहाँ पढ़ा था भाई तुमने, क्या पढ़ा दस में गुणखंड में तो पढ़े थे यस सर, ये गुणखंड है इसके गुणखंड ही पढ़े थे तुमने, फैक्टर बोलते हैं जिधर फैक्टर कर लो अभी फॉर्म ले प्लस बी का उसके अच्छा धड़ धड़ मारे हुए खाते ने अब प्लस का माइनस का मारते हैं ना शुरू शुरू नाइन्थ टेंथ में, वो जी प्लस की जगह माइनस बोल रहे हैं माइनस की जगह एक आधा लगा होगा लगा लगा नहीं या धमकाया तो होगा या काटता होगा चल गलत हो गया सवाल है लिख लिया भाई। एक सवाल बोला है एक फॉर्म में बताना भूल गया था मेरा तुम्हें, ये नया फॉर्म वैसे तुमने पढ़ रखा है क्या फॉर्म लगता है याद है किसी के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी क्या फॉर्म लगता है भाई ए प्लस तो ए प्लस बी के क्यूब के पीछे भी आज सारा सब कुछ क्यों मजा है क्या फॉर्म लगता है। अच्छा पढ़ा तो था तो फॉर्मूला होगा है तो फॉर्मूला अभी नहीं इतने तो पता ही होगा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिख लो अच्छा इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर बताना भाई हाँ बताओ ये नीचे क्या वही आपका लगा थोड़ी बिल्कुल वही है जो फॉर्म में बताया था मैं बिल्कुल वही हाँ शाबाश हाँ अरे यहाँ नहीं यहाँ यहाँ दोनों जगह तू रखू मेरे हाँ यहाँ उनमें कर तू अरे यहाँ और फिर इससे कर लेना बदल दू इनके दिले बदली कर दू जगह क्या दिल लड़े ना भाई हैं मैंने यूँ कहना चाह रही है कि ये तुम ये जू के तुम लिख दो जी लो ये तुम यू को तुम लिखना लो इतना कुछ करियो यूँ कह रहे इसकी जगह तो ये लिख दो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब कभी तुम लड़ोगे भाई मैं तो ये लिखूँ ले भाई तुम्हारी भी लिख दी मैंने यूँ कह रहे इसे जू के तुम प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बताओ याद हो गया होगा तो फार्मूला यू वाला याद हुआ उन्होंने ये तो याद हो ही गया होगा यू सी वी है लिख लो भाई। लंबा तो थोड़ा होगा लेकिन सही में तो आ ही रहा होगा है ऐसा तो नहीं है ना सही में नहीं आ रहा भाई। अब आखिर वो बात और लिखो भाई इम्तहान में आता है ये बहुत सवाल आता है बहुत बार आया अच्छा सवाल है ये बोलिए सीधा थ्योरम गया ये सवाल क्या है जैसे मैंने कहा भाई ये क्यूब रूट ऑफ इनिटी के तीन हो गए
ये कह को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके वर्टिक्स शो करते हैं? तो सीधे तीन बात हैं तो ट्राइंगल को शो करेंगे, तो तीन वर्टेक्स हैं तो तीन से तो ट्राइंगल बनेगी। कौन सी ट्राइंगल को कौन से करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये संभव थी यही लिखो, लिखेंगे क्यू रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी शो द सोनी शो, मैंने शो का एस एच ओ डब्ल्यू शो दिखाना, शो द वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस क्या है, शीर्ष, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटर, इक्विलेटर का मतलब समबाहु, इक्वल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कल भी लिखाया था मैंने इक्विलेटर को। ये दस दस लिखा है मैंने, पॉइंट दस भी लिखा है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस तरह लगता है देखते हैं। ये जो तुमने लिखा है ना महाभारत, एक की सब एक के मूल के ये होगा है, अगर इनका सम जीरो होगा, गुणा एक होगी, इनका रेसिप्रोकल होगा, अगर वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की टू पावर एन जीरो होगा, थ्री होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, फिर इसके फैक्टर बताए मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू, ये बता दी भाई। अब एक सवाल लगाते हैं छोटा सा, मतलब एक क्या छोटी सी कुछ क्या सीखे हैं थोड़ा हल्का सा, देखो भाई सवाल क्या है, लिखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर की पावर थ्री प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की पावर थ्री, इनकी वैल्यू निकालनी है, या ये कहेगा शो दैट इसके बराबर ही होगा, मैं सीधी वैल्यू निकालनी है, फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड वैल्यू, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। देखो किस तरह निकालते हैं थोड़ा सा, मैं तुम्हें बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू को बड़ा सा लग रहा होगा यार किस तरीके की, इसको तो एक तरीका जो है भाई, ए प्लस बी प्लस सी की पावर थ्री, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी, यू मैंने लिखाया भी नहीं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यू बहुत तकड़ा जड़ेगा, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा है, वैसे वैसे इनको दिमाग की दही बनी पड़ी है। इसका मान लिया लेट, लेट का मतलब क्या होता है भाई, मान एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, वाई बराबर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक है भाई, थोड़ा समझ लो फिर कर लेंगे, तो लेंगे करना इतना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या करा, अगर मैं यहाँ की वैल्यू क्या रखूँगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं हो जाएगा, ये बोलो ये क्या आ जाएगा, बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो मेरे वाला फार्मूला, मेरे वाला फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो क्या होता है फार्मूला बोलो भाई, एक्स प्लस वाई, ये एक्स एंड वाई जाता है, तो एक्स प्लस आगे अब तुमने स्क्वायर क्यूब की इच्छी पड़ गई यार, क्या गया, क्या आ गया, एक्स वाई ओमेगा, आगे क्या आ गया, तुमने क्या रख लिया यार कहाँ से, अब सीधा फॉर्मूला हर चीज़ हो गई है, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, देखो भाई आगे ना समझ भाई, दिक्कत हुई। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, फिर कोई देखो कुछ कर, मेरा काम बन जाए भाई, हैं अब मुझे वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई को,
निकाल लिया x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा भाई, हो ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। देखो भाई गलती तो नहीं करी मैंने, क्या करा मैंने, एक्स की वैल्यू लिखी है और प्लस वाई की वैल्यू, कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करी मैंने। लेकिन ए प्लस ए कितना आ गया, टू ए। देखो भाई प्लस बी दोनों वाले कॉमन ले लूँ, अंदर क्या आ जाएगा, बोल दे राहुल शाबाश बहुत बढ़िया बात है। इधर से क्या आ जाएगा भाई, सी कॉमन ले गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। कोई नई बात तो नहीं करी भाई मैंने, सब कुछ आ रहा था इतना तो, मैं तुम्हें कुछ बताया था लग के इसमें इतना तो आ रही था आपसे। लेकिन मैंने अभी एक बात बताई थी थोड़ी सी, क्या बताई थी मैंने, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, जीरो शाबाश। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस के वन। तो यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, तुमने तो कहा, मैंने नहीं कहा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ लिख दूँ माइनस वन, कितना जाएगा यहाँ, टू ए अरे यहाँ यू आर आगा के प्लस माइनस क्या माइनस सी। तो ये बता रही आएगा टू ए माइनस बी माइनस सी आने का, माइनस नहीं आया आ गया भाई, देख नहीं देख रहे यार, तुम सोच रहे तुम तो, टू ए तो जू को तुम बी मल्टीप्लाई माइनस वन सी मल्टीप्लाई माइनस वन, तुम तो यार की बात लिखो मेरे लिए, अब भी नहीं आएगा बात, आ गई ये ले, हाँ लिख देंगे ये जगह की शॉर्ट पे जा गई हमारे बाबा, तो बात थोड़ा सा बड़ा सा हुआ है ना, चल भाई तुम थोड़ा सा छोटा सा हो जाओ, क्योंकि घर की चीज है थोड़ा छोटा कर दिया था लिख के। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ भाई, मैं एक्स प्लस वाई ओमेगा इसकी वैल्यू निकाल लूँ भाई, ज़रा क्या आ जाएगी, एक्स की तो वैल्यू यही जो कि तू रखूँ इसमें मल्टीप्लाई ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, बस करो थोड़ा तुम भी करो मेरे, अब जब आधा हो गया पता चलता है, अब तो दिख गया, अब दिख गया, देखो देखो रुक जाओ, x प्लस वाई ओमेगा, x की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा, ओमेगा जू को तुम, y की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, बोलो भाई ये क्या आ जाएगा, बोलते रहो, a ए ये ऐसे ही है, चलो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए बी ओमेगा क्यू प्लस सी ओमेगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है भाई, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी ओमेगा स्क्वायर और क्या आ गया, टू सी और आ गया, अच्छा और नहीं होने, और क्या आएगा, देख भाई ये यूँ कहना चाह रहे कि पहले कहीं लिखा गई नहीं, चल भाई इसे ले लेंगे हम तो, कि टू सी ओमेगा स्क्वायर लिख लो जी, ये लो लो इसको तो बाद ही झंझट खत्म कर दो, फिर आगे क्या कह रहे थे, उसके बाद इन दोनों में से एक कॉमन लेना चाह रहे हैं, यूँ तो लो जी माफी कहने के मुताबिक चल रहा है, थोड़ा सा लगा तुझा वन प्लस ओमेगा, और क्या कहना चाह रहे थे, और तुम बी कॉमन ले ले, लो बी भी कॉमन ले लिया, क्या आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, दिक्कत तो नहीं है भाई, नो सर, तुमने लाइट उनके सारी भगवा दी, ये क्या आ गया टू सी ओमेगा स्क्वायर जू को तुम भाई प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और माइनस शुरू में लिख दूं, दिक्कत तो नहीं भाई, नो सर, तो क्या आएगा ये माइनस, वो तो बड़े सारे हो गए यार, ए ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट लिख दूँ, इसमें क्या वैल्यू लिख दूँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, तो वन प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस
तो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर लिख दो, दिक्कत तो नहीं? नो सर। बोल लो भाई। हाँ ना बोल रहा तो बोलो। यस सर, यस सर। जो फोन फोन की ये तो खास बात है, वहाँ करना पड़ेगा हम। अब इन मतलब ये आ रहा है, दिक्कत आ रही है ये? हाँ जी दिक्कत आ रही है। अगर मैं हिलाऊंगा तो सारा हिल जाएगा हमारा माउंट। आप इधर उधर कर लो, इधर इधर कर लो थोड़ी, आप इधर कर लो, इनके इधर ही आप इधर कर लो भाई। अच्छा आपका ठीक है, यानी कि आप फिर फंस जाओगे। चलो ठीक है, अब तो ठीक है भाई। तो तुम भी जब ख़त्म होने का जब देख रहे यार, तुम भी देखो इन दोनों से, इन तीनों से क्या करूँगा भाई? क्या कॉमन है? ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले क्या जाएगा? 2c माइनस a माइनस b। यहाँ तक बात समझ आ गई? दिक्कत तो नहीं है भाई। अब किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, x प्लस y ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल, दिखाइए खुद ही तेरा। बड़ा यार तुम भी तो बड़े सारे हो गए तुम भी तो। अरे पहले से तो वैल्यू निकाल लो, मैं निकाल हो गया सवाल ये। छोटा सा ही तो है x प्लस y ओमेगा, तो इधर को मैं सॉल्व करके दिखा। तो यूँ देखो कि कोई नई छोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बड़ा ना देखो है तो सीधी। जब आप पे बाइक चलानी आ गई, चाहे तो साउंडपुर ले जाओ और चाहे जाए नेहरू मार्ट ले जाओ, फर्क नहीं है। फिर लिखो या मैं ही करके दिखाऊँ उसका भी। ये सवाल मैं इसका आंसर लिखूंगा, आंसर रह जाएगा इसका। चलो चेक कर लो, कर लो, चलो चेक करो, जल्दी करो, चलो जिसको जहाँ करना कर लो, चलो यहाँ तक के कर लो, फीस के करो, दमादम करो। चलो कर लिया भाई, ये भी कर लिया एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। इक्वल का निशान है भाई, वो इक्वल दिखाई दे रहा हूँ भाई। बोल बेटे से इक्वल गया, देखो इक्वल गए भाई, ये इसके बराबर ये तो लिख पा बेटे।
अब इसकी वैल्यू निकाल लो एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर निकाली, दिखाओ क्या आ गई भाई इसकी वैल्यू, जल्दी निकाल लो क्या आ गई। वैल्यू निकाल लियो तो डायरेक्ट लिख लिया भाई, देख ली हाँ कभी देख ली तुमने कहा चलिए तो इसे डायरेक्ट कौन लिखे हैं, निकाल निकाल ये आ रही नहीं, देख इसकी वैल्यू आ रही होगी भाई ओमेगा टू बी माइनस ए माइनस सी, निकाल ली निकाल लो। देखो ओमेगा कॉमन ले लूँगा टू बी माइनस ए सी है भाई, आ गया तुम्हारे पास नहीं आया, दिखा कॉपी दिखा ला कॉपी में से जा दूंगा लाओ दिखाओ कहाँ आ गया, इधर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, आ गया देखो क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई जो ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी ओमेगा सी, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी ओमेगा टू क्या आ गया भाई, देखो ठीक से है ठीक से करिए आप क्या आ जाएगा, अभी आ गया ए प्लस ए ए दोनों ओमेगा ए दोनों में कॉमन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा माइनस ओमेगा, ये क्या जाएगा ये क्या आता है सी ओमेगा स्क्वायर, अब इन दोनों में क्या आ जाएगा सी वाला कौन रहेगा डी इसका, सी दोनों में क्या जाएगा सी दोनों में क्या जाएगा कॉमन लेंगे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या जाएगा माइनस सी ओमेगा जाएगा यहाँ पे है भाई, बोल लो ए बी ओमेगा बी ओमेगा टू बी ओमेगा और ओमेगा बी दोनों में कॉमन ले लेगा टू बी माइनस ए सी आ गया मुझे माइनस ए ओमेगा नहीं आ जाएगा माइनस टू बी ओमेगा है ओमेगा दोनों में कॉमन ले लूँगा क्या जाएगा टू बी माइनस ए माइनस, देखो भाई इसकी वैल्यू टू बी माइनस ओ ए माइनस सी आ गई है, बोलो आ गई तो आ गई भाई आ गई है ठीक है दिक्कत तो नहीं, मैंने देखो अब इसकी वैल्यू कितनी है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बोल लो, टू ए माइनस बी माइनस सी इसकी वैल्यू कितनी है ओमेगा स्क्वायर टू ए टू सी माइनस ए माइनस बी इसकी वैल्यू कितनी है डब्लू टू ओमेगा टू बी माइनस ए माइनस सी है भाई, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई फिर वन, तो क्या आ गई आंसर यही आ गया। बस आ नहीं गया, देखो यार आ गया आंसर, बोलो कि रटा वाली बात तो नहीं, देखो भाई देखो इसका देखो इसमें शुमा क्या है मल्टीप्लाई इसकी किसकी हो रही है, देखो वन ही हो रहा ओमेगा स्क्वायर ही हो रहा ओमेगा ही हो रहा, देखो जो लाइन सी रहा है टू ए माइनस फिर टू बी माइनस फिर टू सी माइनस, तो सीरीज वहाँ बिल्कुल लेगे ले सीधे सीधे तो है नहीं बिल्कुल, देख यहाँ टू ए माइनस जो टू ए है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ अगर टू बी लिख टू सी लिखा तो दोनों माइनस बचे हुए, यहाँ टू बी लिखा तो बचे हुए क्या बचे ए सी ओ माइनस, एक के साथ ओमेगा ना एक के साथ ओमेगा स्क्वायर एक की वन तीन होने
यहाँ से बात नहीं आ गई, बढ़िया सवाल था, लंबा, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं रही। अब एक सवाल हो रहा है इसमें, इफ़ करो आगे, इफ़ उतार रहा हूँ, जब अच्छी वैल्यू तो रखनी है, तो भाई की वैल्यू रखनी, नीचे लिखो हैं, तो नीचे लिखो इफ, लिखो इफ, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी फाइन टू दैट प्रूव दैट, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो प्रूव दैट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री प्लस थ्री इज 27 ए बी सी। भाई क्वेश्चन पूरा हो गया, क्या कहा भाई मैंने, क्या कहा बोलिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री, ए बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा की पावर थ्री, इन सब की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 27 ए बी सी होगी। कब, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो, ये प्रूव करना है, जो नया सवाल है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अच्छा अब मुझे पता इसकी वैल्यू ये है, ये सवाल तो ये था भाई, क्वेश्चन हटके लिख लूँ इसका, ये क्वेश्चन था ना, ये इसकी वैल्यू तो तुमने भी निकाली दिखाई मुझे, क्या वैल्यू थी, डायरेक्ट लिख दो तुम्हें क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू निकली थी इसकी, बोलो बोलो, टू बी माइनस सी आगे, टू बी माइनस सी माइनस ए, टू सी माइनस ए माइनस बी, तो ये तो कर ही रखा भाई आप सब ने। अब देखो बात है ये वाली, आप ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है भाई, देखो भाई ये डायरेक्ट याद कर लो, 27 ए बी सी, देखो भाई दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस ए नहीं आ गई, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस ए, टू ए प्लस ए नहीं लगा, आई नहीं बात में आई नहीं, देखो इसे तो इंटू लिख सकूँ भाई, टू ए माइनस बी प्लस सी नहीं लिख सकूँ इसे, अब भी लिख सकता, अब तो कुछ चमका, जब भी नहीं चमका कुछ, मैं सोचा था यू ना रेन लिखूँ भाई, अब भी नहीं बात नहीं। अब ए बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, और यहाँ से टू ए प्लस क्या आएगा, एक तो माइनस ही हो रहा है, एक और माइनस आएगा, टू ए माइनस माइनस ए, इधर क्या आएगा, टू बी माइनस माइनस बी, इधर क्या आएगा, टू सी माइनस माइनस सी, टू ए माइनस 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 थ्री हो गया बेटे, माइनस माइनस प्लस ए, टू ए प्लस ए थ्री ए हो जाएगा, बोलो माइनस का आएगा प्लस का आएगा, माइनस का टू आएगा माइनस का, बेटे माइनस है माइनस, तो प्लस आ जाएगा, हम माइनस बचेगा, हाँ एक बेटे है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है भाई, ये प्लस आ जाएगा, थ्री ए इंटू थ्री बी इंटू थ्री कितना आ गया, 27 ए बी हो गया प्रूफ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 27 ए बी सी होगी। आगे बढ़े थोड़ी सी और बात है, हैं कर लेते दिमाग में करना चाहिए तो दिमाग तक, इधर कर भी लिया यार, ये भी कर रखा, ये भी कर रखा, ये भी कर रखा, भाई यही तो है बच्चों वाली हरकत है। अब है कॉलम फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है भाई, अब पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर,
पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दो तल होते हैं, एक तो कार्टीजन, कार्तीय तल के हैं, सुना कार्तीय तल, वो तल जो एक्स और वाई एक्सेस की बात करता हो, ये वाला ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इसे कहते हैं भाई वो अब पोलर फॉर्म में, जैसे कोऑर्डिनेट पढ़े हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कार्तीय तल पढ़ते नहीं, पोलर पोलर की होता है जो आर और थीटा की बात करता हो, क्या की बात करता हो, एंगल की, रेडियस थीटा एंगल की। अब ये पोलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे जेड नंबर है कोई, ये तो कार्टीजन में लिखते हैं एक्स इक्वल टू आई प्लस आई वाई, ये तो लिखे थे, पोलर में क्या लिखेंगे, पोलर में लिखते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या आ गया इसका पोलर फॉर्म आ गई, इसकी क्या आ गई पोलर। अब आगे एक और चीज लिखो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए, सुना भी होगा तुमने मॉडुलस नाम, कल ही बताया था मुझे क्या हो, हैं हाँ, लेकिन हाँ थोड़ा क्या पूर्ण, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया ये कि नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या आ गया एक कम्प्लेक्स नंबर है, मिसाल ही लिखते रहो, चलो इसका नंबर क्या है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई ओटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या कहलाएगा भाई, ये मोड जेड, क्या कहलाएगा मोड जेड, क्या है कि कोई होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट, यानी कि क्या आ गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का प्लस, और फिर इसका क्या ले लो स्क्वायर रूट लिखो, यानी कि मोड जेड इक्वल क्या की इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का, क्या मतलब समझे भाई सर, क्या मतलब समझे, देखो ये मतलब चाहिए पोलर फॉर्म में लिखना आगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अब चलो मैं कार्टीजन में पढ़ रहा था ने एक्स और वाई में, अगर एंगल और रेडियस में पढ़ना हो तो क्या पढ़ते हैं कोस थीटा प्लस आई ओटा साइन थीटा, अगर मॉडुलस में पढ़ना हो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मॉडुलस जेड क्या करना पड़ेगा एक्स रियल प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर, और यहाँ से बैठे बात में होगी दिक्कत तो नहीं है, आगे भी आगे पढ़ रहे, देखो इफ जेड वन जेड टू आर टू कम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड वन थक गएगा, चलो कल ज़्यादा तो नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, चलो आज के लिए पहले छोड़ रहे हैं, थोड़ा 5-10 मिनट हो रहे हैं, हम लोग इस तरह रह जा रहे हैं भाई, जैसा जितना पढ़ाया समझ में आया भाई, यस सर, आसान था, मदद आ रहा थोड़ा बहुत, कुछ सुधार है पहले से, ठीक है भाई, पहले से क्वेश्चन नहीं होते, मैं तुम्हें इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन जे ही का है भाई, ये तो 12-13 है, इसके बाद मैं उसके बाद वो भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये कल वो खत्म कर दूँगा, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कल खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या है क्वेश्चन, ठीक है भाई, आज जो है ना तो ये समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है आज के लिए इतना ही, बैठ कर अपना।